बीते 12 अप्रैल को नवगछिया के कदवा ओपी थाना क्षेत्र के बुड़वा गांव में त्रिवेणी ऋषिदेव की पत्नी शोभा देवी की देर रात हत्या कर दी गई थी। हत्या से पहले महिला को अपराधियों में से एक ने देर रात मिलने के लिए बुलाया और रात में जब महिला मिलने पहुंची तो उसकी गला रेत कर हत्या को अंजाम दिया गया। 12 अप्रैल को हुई इस हत्या की सूचना के बाद पुलिस पहुंची तो पुलिस के सामने यह हत्या एक ब्लाइंड मर्डर की तरह था, क्योंकि हत्यारों ने हत्या के बाद कोई सबूत घटनास्थल पर नहीं छोड़ा था। बारीकी से सारे सबूत को नष्ट कर दिया गया था। इस हत्या ने नौगछिया पुलिस की नींद उड़ा दी थी। नौगछिया पुलिस मामले की तहकीकात के लिए एक टीम का गठन किया और इस टीम ने आखिरकार हत्या में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। गिरफ्तार अपराधियों में रंगरा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर बहिसी निवासी निरंजन ऋषिदेव सहित बोड़वा निवासी अरुण ऋषिदेव, वेचन ऋषिदेव के साथ रतन ऋषिदेव की गिरफ्तारी कर ली है। दरअसल पुलिस की जांच में जो बातें इस हत्या के पीछे आई वह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और हत्या के पीछे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जिस तरह से खुलासा पुलिस ने किया वह भी एक हकीकत के रूप में गांव में फैले ह्यूमन ट्रैफिकर का सामने आ जाएगा। पकड़े गए 4 आरोपियों ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि महिला की हत्या अपराधियों ने इसलिए की थी। पकड़े गए 4 आरोपियों ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि महिला की हत्या इसलिए की गई थी कि मृतक महिला गांव की कम उम्र की बच्चियों को प्रलोभन देकर गलत कामों में ले जाती थी। नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल को कदवा ओपी के बोड़वा में महिला शोभा देवी की हत्या अपराधियों द्वारा तेज धारदार हथियार से गला रेत कर दी गई थी। घटना के बाद कांड के उद्भेदन के लिए टीम का गठन किया गया था। टीम में कदवा ओपी प्रभारी भूपेंद्र कुमार, कदवा थाना के दरोगा संजय कुमार, नदी थाना अध्यक्ष सतीश कुमार, रंगरा ओपी प्रभारी महताब खान, ढोलबज्जा थाना प्रभारी लक्ष्मण राम सहित तकनीकी इकाई को शामिल किया गया था। टीम ने घटना के 48 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। SDPO ने कहा कि मृतक महिला की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी और उन्होंने कहा कि मृतक महिला ह्यूमन ट्रैपिंग के कार्य में लिप्त थी। दिनांक 12 तारीख को रात्रि में कदवा थाना में एक बोरवा मुखारी टोला पड़ता है, वहीं पर एक महिला को गला काट के हत्या कर दिया गया था। सूचना पर थाना प्रभारी स्वयं दलबल के साथ घटनास्थल पहुँचे, तो उसके बाद में वहाँ के आसपास के लोगों का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया जिसमें DIU की टीम काफ़ी सराहनीय इसमें योगदान दिए हैं, तो मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया जिसमें कदवा थाना प्रभारी थे, नदी थाना प्रभारी, नगरा थाना प्रभारी, मेरे नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे हैं। उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर सबसे पहले एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उनका नाम है निरंजन ऋषिदेव। ये निरंजन हैं जहांगीरपुर वैसी का रंगरा थाना के रहने वाले हैं, लेकिन इनका रिश्तेदारी पड़ता था बोड़वा तोड़ा में, तो किसी प्लानिंग के तहत ये खास करके गए थे 12 तारीख के दिन और रात्रि में हत्या करके फिर वहाँ से फिरार हो गए। सबसे पहले इनको पकड़ा गया और इनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर 3 अन्य लोग जो इस घटना में शामिल थे उनको भी पकड़ लिया गया। टोटल 4 शामिल थे जिनको पकड़ लिया गया है। कुछ और जांच चल रही है, हमको लगता है कि इसके पीछे कुछ और लोग साजिश में शामिल होंगे और उस संबंध में जांच कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक का अनुसंधान है उसके आधार पर ये लगता है कि ये 4 ही लोग उसमें शामिल थे मुख्य रूप से हत्या करने में। और कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं? गिरफ्तार होने वाले में दूसरा अरुण ऋषिदेव हैं, बाप का नाम स्वर्गीय सरजुग ऋषिदेव, रतन ऋषिदेव स्वर्गीय चोरी ऋषिदेव, बेचन ऋषिदेव पिता स्वर्गीय घूड़न ऋषिदेव, ये सभी बोड़वा टोला के, और एक जो है ये जहांगीरपुर वैसी के। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये 3 तो बोड़वा टोला से ही गिरफ्तारी हुई और एक रंगरा से गिरफ्तार किया गया। महिला की हत्या क्यों की गई? जो इनके द्वारा बताया गया है, अभी ये जाँच का बिंदु है कि ये महिला जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल थी
और इनका जो गुस्सा इस बात को लेकर के था कि वहाँ के अंडर एज लड़कियों को थोड़ा बहकाने का बिगाड़ने का काम किया जाता था, जिससे लोग नाराज़ थे और ये सब मिल करके साजिश के तहत इस महिला को घर से बुला के किसी बहाने से बुला करके हत्या कर दिया जाता है। ये काफ़ी जघन्य हत्या है और इसमें चूँकि एसपी साहब नहीं हैं छुट्टी में, लेकिन हम लोग निर्णय लेंगे कि इसको स्पीडी ट्रायल चलाएं और टीम में जो जो लोग हैं वो काफ़ी सराहनीय काम किए हैं, क्योंकि घटना में शामिल सभी अपराध कर्मियों को और 24 घंटे 36 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी हो गई है। इसमें हमारे पास में तकनीकी साक्ष्य हैं, काफ़ी साक्ष्य हैं, जिसके आधार पर हम इनको सज़ा दिलवा दें। कोई रिकवरी सर? हाँ, अभी नहीं रिकवरी हुआ है रिकवरी, लेकिन हमको लगता है कि रात भर में हो जाएगी, क्योंकि हत्या तेज धार हथियार से हुआ है, उसका रिकवरी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, हत्या करने का मकसद क्या कहता है, क्यों मारा गया? लोगों में गुस्सा था कि इनके द्वारा, मृत महिला के द्वारा, कम उम्र की लड़कियों को बहका करके बिगाड़ दिया जाता है। किस तरीके से उसको बुलाया गया महिला को, क्या करके? फोन से बुलाया गया। और ये जो निरंजन ऋषिदेव हैं, इनका ससुराल वहाँ से पड़ता है, तो इन लोगों ने साजिश किया कि हम लोग बुलाएंगे तो वो नहीं आएगी, और आप रिश्तेदार हैं, पहले से भी इनकी बातचीत होते रही है, तो आप बुलाएंगे तो चली आएगी। और इसी आधार पर निरंजन ऋषिदेव उनको फ़ोन करके रात में लगभग 1:30-2 बजे बुलाते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। आज सर पकड़ा गया। बहरहाल पुलिस पूछताछ में सभी अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि मृतक महिला गांव की कम उम्र की बच्चियों को बहला फुसला कर प्रलोभन देकर गलत कामों में ले जाती थी, जिस वजह से गांव की छोटी लड़की की धीरे धीरे आदत खराब हो रही थी। और महिला चूंकि इस गलत काम की मास्टर माइंड थी, सो अपराधियों ने महिला की हत्या की। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की एक खास रिपोर्ट।